तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गूगल की तरफ से आने वाले न्यू प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है गूगल नेस्ट कैम। अब किस तरीके से ये गूगल नेस्ट कैम को हमें यूज करना है और क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलने वाले, वो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन, उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग गूगल नेस्ट कैम परचेज करने वाले हैं सो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप लोग गूगल नेस्ट कैम को किस तरीके से यूज़ करने वाले हो और क्या क्या एडवांस फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ बिटवीन नॉर्मल कैमरा और गूगल नेस्ट कैम के बीच में। अगर आप लोग नॉर्मल कैमरे को यहाँ पर कहीं भी आप लोग उसको असेंबल करते हो, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी आप लोग उसको असेंबल करते हो, तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारा जो खर्चा है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज हो गया, उसके लिए आप लोगों को एक सिस्टम रखना पड़ेगा जिसके अंदर आप लोगों की रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वहाँ पर स्टोर हो सके। बट ये जो गूगल नेस्ट कैम है, यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इन वायर वगैरह के और ये मेंटेनेंस वगैरह के जो खर्चे हैं वो बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी टू इंस्टॉल है और इसके अंदर आप लोगों को जो एक्सेस है वो एक्सेस भी आप लोगों को डायरेक्ट गूगल के होस्टिंग के थ्रू मिलने वाला है। वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे गूगल नेस्ट कैम के थ्रू। अब किस तरीके से गूगल नेस्ट कैम काम करेगा, चलिए जान लेते हैं। तो ये है गूगल की तरफ से आने वाला हमारा कैमरा जिसका नाम है गूगल नेस्ट कैम। अब इसके अंदर आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है जो कि कभी भी लाइट वगैरह जाने पर और नेट कनेक्शन ना होने पर वहाँ पर भी ये वर्क करता है, क्योंकि ये वहाँ पर उसका बैकअप ले लेता है। अब किस किस तरीके से ये काम करने वाला है वो सारी सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो में स्टार्ट टू एंड, जिससे कि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में मिल सके। आप लोगों को इसको इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप लोगों को इस तरीके का एक माउंट मिल जाएगा जिसको आप लोगों को अपने किसी भी दीवार पर या अपने दरवाजे के बाहर इस तरीके से उसको चिपका देना है, एंड देन इजीली ये यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। जैसे इसको आप थोड़ा सा मोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक लॉक की आवाज आती है। उसके बाद आप लोगों को अपने कैमरे को उठा के इसके मैग्नेट पार्ट है वहां पर आप लोगों को अपने कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। बहुत ही ज्यादा इजी टू इंस्टॉल है, किसी भी तरीके की आप लोगों को मैकेनिक की जरूरत नहीं होने वाली है कि बड़े बड़े वायर के साथ आप अपने कैमरे को कनेक्ट करो एंड देन सिस्टम खरीदो जिसके अंदर इसका बैकअप जाए। बहुत ज्यादा इजी टू इंस्टॉल है एंड देन इजी टू यूज रहने वाला है ये जो गूगल की तरफ से नेक्स्ट कैम आ रहा है। और इस कैमरे की एक खास बात यह है कि 24/7 आप लोगों को लाइव व्यू देने वाला है जब भी आप लोग इसको इंस्टॉल करते हो, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको ठीक लगता है कि यहां पर आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप इसको इजीली वहां पर लगा सकते हो। आप जब इस कैम को यूज करोगे तो आप लोगों को किसी भी तरीके की हैवी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ने वाली, किसी भी तरीके के बैकअप लेने के लिए जस्ट आप लोगों को अपने फोन की जरूरत पड़ने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को ऐप इंस्टॉल करना है, एंड देन आप लोगों के कैमरे का सारा आउटपुट वो आप लोगों को फोन में शो होने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। आपको जस्ट यहाँ पर लाइव वीडियो पर प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर आप लोगों के सामने आपके कैमरे की जो वीडियो है वो यहाँ पर आप लोगों को प्ले होती हुई दिख जाएगी कि आपके डोर पर या आपके दरवाजे पर कौन शख्स खड़ा है। कुछ इस तरीके का व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो एक माइक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इनकेस अगर आपके दरवाजे पर कोई है और आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग घर में बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे ही उसको वहां से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर में ही रहें, आप कहीं भी रहें आप तक इसकी कनेक्टिविटी जरूर पहुंचेगी। जस्ट आप लोगों को वन टैप करना है इस माइक पर एंड देन इसको ऑफ कर देना है। ये कुछ कैमरे की फुटेज है जो कि आपके सामने देखने को मिल रही है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा कोई सामान है जो कि इतनी इतनी जगह पर है तो आप लोग उस एरिया को सेलेक्ट करके सिर्फ उतने तक ही इसको, इस कैमरे का जो व्यू पॉइंट है उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एक एरिया है जिसके अंदर इन्हें हाई सिक्योरिटी चाहिए जो कि इन्होंने गूगल नेस्ट कैम को बताया है। सो अब ये इसको पूरी तरीके से डिटेक्ट करता रहेगा। अब यहाँ पर कोई भी चीज अगर ऐसी आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन तक तुरंत पहुंचाने वाला है ये जो गूगल नेस्ट कैम है। आप लोगों को अगर नेस्ट कैम की वीडियो हिस्ट्री चाहिए तो आप लोगों को यहाँ इस कैमरे में 3 घंटे की वीडियो हिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और आप चाहो तो अपने उस रिकॉर्ड हुए वीडियो को
बैक कर सकते हो और आप ये चीज देख सकते हो कि आपके घर के बाहर उस टाइम कौन आया था और क्या क्या एक्टिविटी उसने उस टाइम की थी। ये जो बैकअप है इस कैमरे में आप लोगों को सिर्फ 3 घंटे का देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इसका एक्सेस मिले, आप इसको और भी ज़्यादा स्टोर कर पाओ, तो आप लोगों को यहाँ पर गूगल नेक्स्ट का यहाँ पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसका सब्सक्रिप्शन $6 per month आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे आप लोग इसके सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को $6 per month देना और सारा का सारा जो आउटपुट है वो गूगल नेस्ट के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। जब भी आप लोग अपना डेटा चाहोगे, आप लोगों को वहां से एक्सेस देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, आप लोगों को यहां पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट के ही हैं, गूगल नेस्ट के। इन केस अगर आप लोगों की लाइट चली जाती है और वाईफाई कनेक्शन चला जाता तो भी आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गूगल नेस्ट कैम है वो पहले ही बैकअप ले लेता है जिसके थ्रू वो रन करता है। लाइट जाने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नाइट विजन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रात के अंधेरे में भी एक बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आप तक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो गूगल नेस्ट का कैमरा है ये इतना एडवांस है, आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी शख्स या जानवर को वो यहाँ पर उसके फेस को पढ़ लेता है और आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो भी इंसान दरवाजे पर है वो कोई शख्स है या एनिमल है, जैसे कि आप लोग इस फोन पर देख रहे हो। अब उन सारे कैमरों को पीछे छोड़ दो जो कि पुराने हो चुके हैं, जिनको रात होने के बाद दिखाई नहीं देता था। अब आप लोग नेक्स्ट जनरेशन पे हो, सो आप लोगों को देखने को मिला है गूगल की तरफ से आने वाला न्यू डिवाइस जिसका नाम है गूगल नेस्ट कैम। छोड़ दीजिए वो सारे सारे वायर के झमेले, ये यहाँ पर आप लोगों को नाइट विजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस गूगल कैम का, जो कि आप लोगों को एक बढ़िया पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो उस शख्स का फेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है, जो भी शख्स आपके डोर पर है। इन केस अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के कोई एक्स्ट्रा एडवांस फीचर इसमें ऐड ऑन करना, सो आप लोग उसको भी परचेज कर सकते हो, जो कि गूगल नेस्ट कैम के साथ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन केस आपके दरवाजे पर कोई भी आता है सो उसकी और भी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी आप तक प्रोवाइड करने के लिए ये दो लाइट जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को एक सेंसर देखने को मिल रहा है जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि कैमरे के ऊपर लगा है। और जैसे ही दरवाजे पर कोई आता है तो गूगल नेस्ट के टैबलेट पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है या फोन पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसके थ्रू आप लोग जस्ट 1 voice command के आप लोग देख सकते हो कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है। बस आप लोगों को बोलना है शो मी द आउटडोर कैमरा, आप लोगों को वो कैमरे की फुटेज दिखाने लग जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो। ओ, यहाँ तो एक डॉग है, ये अपनी मस्ती में ही चूर है, बट गूगल नेस्ट अपना काम कर रहा है। सो ये है गूगल नेस्ट कैम। सो आप लोगों को ये नेस्ट कैम कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि इस तरीके के हैं। गूगल नेस्ट कैम आप लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी इसकी फुटेजेस देख सकते हो। बैटरी पावर भी इसका बहुत अच्छा है, ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो गूगल की साइट से है। सो ये था गूगल नेस्ट कैम। अब आप लोगों को इस गूगल नेस्ट कैम के अंदर क्या क्या फंक्शन अच्छे लगे और कौन से फीचर आप लोगों को इसको इसमें बेस्ट लगे, वो आप लोग हमें अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी चैनल पर हम गूगल नेस्ट के और भी प्रोडक्ट के रिव्यू करने वाले हैं, सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और नीचे जो आप लोगों को लाल बटन देखने को मिल रहा है सब्सक्राइब पर, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर लें। सो मिलते हैं आप लोगों से हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो।